शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में तिदरी चौक स्थित रपट के बालाजी मंदिर के महात्मा से रविवार की रात हुई मारपीट मामले में संतों ने बैठक पर दो दिन में आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार रपट के बालाजी मंदिर के 70 वर्षीय महात्मा नारायण दास के साथ रविवार की रात कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके चलते उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महात्मा के साथ मारपीट की खबर संत समाज तक पहुंची तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। इस घटना को लेकर शहर भर के संत समाज की ओर से सोमवार को रपट के बालाजी मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासन से मांग की है कि दो दिन में महात्मा से मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। बैठक में मायाराम महंत बाबूगिरी महाराज नारायण दास आदि मौजूद रहे। बाद में एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर एनके राजौरा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह को सौंपा गया। संतों ने कहा कि विभिन्न मंडलों की सुरक्षा भी की जाए और आए दिन संतों पर हो रहे हमलों को सख्ती से रोका जाए। इस मौके पर एडीएम राजौरा ने कहा कि संतों की ओर से ज्ञापन दिया गया है, इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। वहीं एएसपी सिंह ने कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भीमगंज थाना पुलिस ने मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें एक मुकदमा थाने के दीवान शैतान सिंह मीणा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, जिसमें उसने नामजद लोगों पर घटना स्थल पर पहुंचने के बाद थक्का मुक्की करने व ड्यूटी चार्ट फाटने का आरोप लगाया है। दूसरा केस मंदिर के पुजारी आदित्य दास द्वारा दर्ज करवाया गया है, जिसने महात्मा के साथ मारपीट का आधा दर्जन नामजद व 30 से 35 लोगों पर आरोप लगाया है। जबकि तीसरा केस आशिफ हुसैन ने दर्ज करवाया है, जिसने उसने बाइक पर जाने के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस ने शांति भंग के आरोप में मंगल पांडे सर्किल निवासी आशिफ हुसैन उर्फ भैयू मारुति नगर निवासी अब्दुल शकील को गिरफ्तार किया है। के बालाजी क्षेत्र में कल रात्रि को रपट के बालाजी क्षेत्र में हुए घटनाक्रम को लेकर आज मंदिर में संत समाज और भक्तों द्वारा आपस में मंत्रणा की गई, जिसमें प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम साहब और मैं उपस्थित हुए। आपने अपना एक ज्ञापन मांग पत्र के रूप में दिया है, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था कठोर कार्रवाई किए जाने का आपका निवेदन है। मैं आश्वस्त करता हूं कि कल के हुए घटनाक्रम में और आगे भी पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सभी तरह की माकूल व्यवस्थाएं जो की जानी चाहिए वो की जाएगी। जिन्होंने अपराध किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों को साथ में लेके और सहयोग के साथ में हम इस शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, शांति बनी रहे, ये प्रयास हमारा रहेगा। देखिए, कल की जो घटना हुई है उसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रोएक्टिव होकर जो नामजद व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया गया है। शेष जो आरोपी उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। मुख्य रूप से संत समाज के द्वारा जो मांगे जिला प्रशासन से की गई है, उनमें इस तालाब के अंदर जो मछली पकड़ने का अवैध काम करते हैं उसको रोकने के लिए और मंदिर परिसर और आसपास के एरिया में सुरक्षा को पुख्ता करने की बात है, तो निश्चित रूप से करेंगे। और संत समाज का बहुत अच्छा सहयोग हमको मिला है, प्रशासन को और पुलिस को, और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में त्योहारों का वक्त है और अभी कोविड-19 का संक्रमण भी चल रहा है, तो सभी इसमें शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। जो भी मांगे हैं उन पर हम वाकुल रूप से अमल करेंगे और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल की जो घटना की गई है वह उसकी हम भर्त्सना करते हैं और जितने भी संत हैं इन्होंने जो आश्वस्त किया हमको दो दिन में ही अगर नहीं पकड़े गए वो लोग, तो हम जितने संत हमारे भक्त सब जितने भी हैं बहुत आंदोलन करेंगे और आगे कुछ कह नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। ये प्रशासक क्या करता है, ये हम लोगों के सामने लीपापोती कर देता है। सभी भक्तों को इनको कह देता हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, ऐसा होता नहीं है, परंतु यहाँ से आगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लीपापोती हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। हम जितने भी संत समाज हैं, हमारे हनुमान जी के जितने भक्त हैं, वो सब यहाँ से आगे दशहरा आ रहा है, कल अघटना घट और घटना घट जाएगी तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसको प्रशासन और हमारे मीडिया वालों से भी कहना है कि आप बहुत ही शीघ्र इस विषय में थोड़ा पहल करें, यहाँ से एक भी मछली नहीं पकड़ी जाए, यही कहना है आपसे। और
आप ध्यान रखें, आप जितने मीडिया वाले हैं सबसे कहना है कि आप लोग क्या कर देते हैं, विचार नहीं करते, सोचते नहीं हैं, आपको सोचना पड़ेगा। इस प्रकार अगर संतों के ऊपर कुठाराघात होता रहा तो संत कभी सहन नहीं करेंगे। जगह जगह देख रहे हैं आप, पालघर में देखिए, अयोध्या में संतों को मारा गया, संत पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी गई, पर लीपापोती कर देता है प्रशासन, कुछ नहीं करता है। अब यहाँ से आगे हमारे भीलवाड़े में दो दिन में अगर ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो दुष्ट हैं, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सनातन धर्म में जो आज यहाँ भीलवाड़ा में प्रकट के बालाजी उनके महात्मा जी पे जो ये अदर समाज के जो लोगों ने यहाँ पर महात्मा जी के ऊपर अटैक किया है वो बहुत शर्मनाक है। इससे सारा भीलवाड़ा और सारा सनातन और ये सारे संत महात्मा साधु जो है बहुत आक्रोश में है। और हमने आज यहाँ कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है, उसमें उनसे यही अनुरोध किया गया है कि हमारे जितने सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और संतों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती जाती हैं और इतने लोग इकट्ठे, एक से यानी 44-40 लोग जो है इकट्ठे आ गए, ये कहाँ से था? इसका मतलब इनका प्लानिंग था, इन्होंने प्लानिंग से सारा महात्मा जी के ऊपर अटैक किया है और ये हमारे सनातन धर्म के आने वाले में जो है ये विघ्न डालने के लिए जो इन्होंने पैदा किया है। इससे सारा भीलवाड़ा बहुत साधु संत और जनता बहुत आक्रोश में है और मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए।